तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम तीनों नए कानून पुरस्थापित करने के लिए मैं आया हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 अब एस्टैब्लिश होगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तावित होगी और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रस्तावित होगा। यह कानूनों की जो कानून रिपील होंगे, इस तीनों विधेयक से वो कानूनों की आत्मा जो है, वो कानूनों का मध्य बिंदु है कानून बनाने का, वो अंग्रेज शासन को मजबूत करने की दृष्टि से कानून बनाए गए थे, अंग्रेज शासन की रक्षा करने के लिए कानून बनाए गए थे और उसका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय देने का नहीं था। ये दोनों मूलभूत चीजों पर हम परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये तीनों कानूनों को रिप्लेस कर इनकी जगह जो तीन नए कानून बनेंगे उनकी आत्मा होगी भारत के नागरिकों को संविधान प्रदत्त सारे अधिकार जो मिले हैं इसकी सुरक्षा। ये कानूनों का उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं होगा, इस कानूनों का उद्देश्य सबको न्याय देना होगा और न्याय देने की प्रक्रिया में, ये न्याय देने की प्रक्रिया में दंड वही होगा जहां अपराध रोकने का बोध खड़ा करने की जरूरत है, अपराध रोकने के लिए एक प्रकार की भावना खड़ी करने की जरूरत है, वही होगा। और मैं ये तीनों कानूनों को आगे मैं बताता हूं, बड़े ध्यान से इस प्रक्रिया में मैं इन्वॉल्व रहा हूं। अध्यक्ष जी, मैं सदन को आश्वस्त कर सकता हूं कि 1860 से लेकर 2023 तक अंग्रेजों ने बनाए, अंग्रेज पार्लियामेंट ने बनाए हुए कानून के आधार पर इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलती रही। इसकी जगह भारतीय आत्मा के साथ ये तीन कानून अब प्रस्तावित होंगे और हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये बिल स्टैंडिंग कमिटी को भेजने वाला हूँ, इसलिए बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, मरुतु इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी ये कानूनों को पढ़ा होगा, इसकी प्रायोरिटी क्या थी? मानवी की हत्या से या महिला के साथ दुराचार से बड़ा कोई कानून अपराध नहीं हो सकता, तो इसको 302 नंबर पर स्थान दिया गया। इसके पहले क्या था? राजद्रोह था। इसके पहले क्या था? खजाने की लूट थी। इसके पहले क्या था? शासन के अधिकारी पर हमला था। ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच को हम बदल रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर इसमें आएगा महिलाओं और बालकों के साथ अपराध, दूसरा चैप्टर आएगा मानव वध और मानव शरीर के साथ जो अपराध होते हैं उसका आएगा। तो हमने शासन की जगह नागरिक को केंद्र में लाने का एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक निर्णय कर हम ये कानून लेकर आए हैं।